हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की इंग्लिश रीडर का लेसन फोर्टीन विजिट टू ओरछा का एक्सरसाइज इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं तो हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वे आर वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ हैप्पी आंसर द इस सॉरी कक्षा सातवीं के छात्र क्यों खुश थे आंसर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ वर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा कक्षा सातवीं के छात्र ओरछा के अपने अवलोकन पर तर्क वितर्क करने से खुश और उत्तेजित थे क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर कॉल्ड नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है आंसर द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं वॉट इज सेनोटाफ एक स्मारक क्या होता है आंसर सेनोटाफ इज अ मोन्यूमेंट बिल्ड इन मेमोरी ऑफ शोल्डर्स सैलर्स और अदर्स हु डाइड इन सम फार अवे प्लेसेस सेनोटाफ एक स्मारक होता है जिसे सिपाहियों नाविकों अथवा दूसरे लोगों जो किसी दूर के स्थान पर मरे की याद में बनाया जाता है वॉट आर से, सेनोटाफ एट ओरछा कॉल्ड ओरछा के स्मारकों को क्या कहा जाता है आंसर द सेनोटॉप एट ओरछा आर कॉल्ड द छत्रीस ओरछा के स्मारकों को छत्रिया कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव हु बिल्ट द बिल्डिंग सेट औरछा ओरछा की इमारतों को किसने बनवाया बुंदेला स्किंग बिल्ट द बिल्डिंग ओरछा एट बिल्डिंग सेट औरछा बुंदेला के राजाओं ने ओरछा में इमारतों को बनवाया क्वेश्चन नंबर सिक्स विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग इन ओरछा बिलोंग्स टू द वॉल ओरछा में भित्ती चित्र किस शैली से संबंधित हैं

भित्ति चित्र सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध थे क्वेश्चन नंबर एट हु लुक आफ्टर ऑल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स प्राचीन स्मारकों और इमारतों की देखभाल कौन करता है आंसर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स पुरातत्व विभाग प्राचीन स्मारकों और इमारतों की देखभाल करता है इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पावर क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू एंड टॉम तो ये जो आपको एक टेबल दे रखी है इसमें हमें एक एक साइड पर सेनोटॉफ और एक साइड पर टॉम लिखना है सेनोटॉफ अमर ज्योति एट विजय चौक राजघाट छतरी एट ओरछा छतरी एट महेश्वर एंड इंदौर टॉम द ताजमहल हुमायूं मकबरा समाधि ऑफ लक्ष्मी बाई आप दोनों फर्दर जो टेबल्स हैं उसमें अलग अलग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर बी राइट वन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग चूज फ्रॉम गिवन वर्ड्स वन हु शोल्जर वन सेल्स ऑन द शिप सेलर अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर कन्फ्लुएंस अ बिल्डिंग और Other structure built in memory of some event or a person, monuments, a person who traveler or pleasure, tourist. The study of culture of the post and periodic periods of history by examining the remain of the buildings and objects found in the ground, archaeology, grammar in use. री राइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट फॉर्म आपको कुछ सेंटेंस mm, दिए हुए हैं जिन्हें हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो आप देखिए ये जो है ये सीधे आंसर्स हैं क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है ही सेट टू मी व्हाट आर यू डूइंग जिसका आंसर है ही आस्क मी वॉट आई वॉज डूइंग सेकेंड क्वेश्चन है ज्योति सेट टू द बॉय वेयर डू यू लिव इसका आंसर है ज्योति आस्क द बॉय वेयर ही लिव्ड थर्ड क्वेश्चन है सीमा सैट टू हर सन वेयर आर यू गोइंग सीमा आस्क हर सन वेयर ही वॉज गोइंग फोर्थ क्वेश्चन है शी सेट टू हर सिस्टर व्हाट डू यू वॉन्ट आंसर है शी आस्क हर सिस्टर व्हाट शी वॉन्टेड क्वेश्चन नंबर फाइव ही सेट टू संगीता What do you like the most? Answer. He asked Sangeeta what she liked the most. Question number six. The headmaster said to the student, which lesson are you reading today? The headmaster asked the students which lesson they were reading that day. Question number seven. The Landlady. landlady said to the students, When will you back from Bhopal? The landlady asked to the students when he would be back from Bhopal. Question number 8. The student said to the teacher, When shall we visit one Vihar? Answer. The student asked the teacher when they would visit one Vihar. match the following noun with their adjectives make sentence. जो मैच करना है सही जोड़ी को तो नाउन से हमें उसके एडजेक्टिव से मिलान करना है तो पहला है गुडनेस इसका आंसर है गुड जो जो कि ई पर लिखा हुआ है सेकंड है हेल्प जिसका आंसर है हेल्पफुल स्किल स्किलफुल करेज करेजेस ए नंबर पर लिखा हुआ है मिसीफ मिसचिवियस लेबर लेबरस फर्स्ट का ई सेकेंड का सी थर्ड का डी फोर्थ का ए फिफ्थ का एप और सिक्स का बी इसके बाद हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है गुड गुडनेस गुडनेस इज अ अक्वलिटी ऑफ अ मैन गुड मोहन वॉज गुड स्टूडेंट हेल्प वी मस्ट हेल्प टू नीडी हेल्पफुल ही इज हेल्पफुल टू एवरी वन Skill. He has got a skill in dancing. Skillful. People were skillful in the wall painting. Courage. He gathered courage to speak. Courageous. Ravi has been a courageous boy. Mischief. Keep yourself away from mischief. Mischievous. Mischievous students are punished. Labor. Some physical labor is essential for good health. Laborus Laborous person lead a happy life. Question number C. Match the following. Galaxy of stars. Flock of sheep. Team of cricketers. Pride of lions. Choir of singers. Band. ऑफ़ म्यूजिशियन फर्स्ट का सी सेकेंड का ए थर्ड का ई e, फोर्थ का एफ़ फिफ्थ का डी और सिक्स का बी तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे आपको मेरी चैनल पर सा पूरी बुक्स जितनी भी इंग्लिश की हैं सभी के एक्सप्लेशन वीडियो और एक्सरसाइज वीडियो मिलने वाले हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच